विद्वान या पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक वो जो मनोरंजन के लिए लिखते हैं और दूसरे वो जो परिवर्तन के लिए लिखते हैं। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े ये है वो क्रांति के लिए लिखते थे, समाज की जो आर्थिक सामाजिक अनेक गैर बराबरियां हैं उसके अंदर बदल लाने के लिए प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े की राइटिंग थी। आज वो 70 साल के हुए हैं, 70 साल के लॉन्ग करियर में बचपन से लेकर अब तक उनकी जो इंटेलेक्चुअल जर्नी हुई है, जो शेपिंग हुई है, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थे और उनके लिहाज से उन्होंने जो भी साहित्य पढ़ा था, फिर वो रशिया के लेनिन हो, स्टालिन हो, या फिर दुनिया भर की जो बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर जॉन स्टुअर्ट मिल के लिटरेचर हो, उन्होंने उसको काफ़ी बारकाई से पढ़ के उन्होंने एक बहुत ही नुआंस्ड, बहुत ही पर्टिकुलर एनालिसिस भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को बताते हुए किया था। बुद्ध, फुले, शाहू, अंबेडकर के साथ उन्होंने मार्क्स और लेनिन, ये जो दुनिया के जो वर्ग के ऊपर संघर्ष करने वाले विचार है, उन्होंने उनको सबको साथ में बिठा के एक बहुत ही पर्सपेक्टिव हमको ये 21वीं शताब्दी के लिए जो महत्वपूर्ण होगा उन्होंने दिया था। उनकी जो राइटिंग्स है वो 500 आर्टिकल हो या फिर उनकी पैम्पलेट्स हो या फिर रिलेटेड जो शॉर्ट सबमिशंस है 500 के ऊपर उन्होंने की है। उसके साथ उनकी जो किताबों का आप अगर अंश देखोगे तो उन्होंने जब भी अपने लाइफ में ये लिखा है उन्होंने गरीब लोग जो पिछड़ा हुआ है उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने इसका अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि जो मार्क्सिस्ट एनालिसिस है, जो क्लास एनालिसिस है, साउथ एशिया में इतनी क्लैरिटी से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से लेकर बेस और सुपरस्ट्रक्चर की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है स्पेशली कास्ट और क्लास को लेकर, मुझे लगता है आनंद तेलतुंबड़े केवल ऐसे एक में वो इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने इसके अंदर हाथ डाला और एक बहुत ही पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने हमको एक लेफ्ट भी पर्सपेक्टिव दिया और एक दलित डिस्कोर्स का जो पर्सपेक्टिव वो भी उन्होंने दिया। उन्होंने अपने मूवमेंट जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी उसके अंदर उन्होंने फिर उनके राइटिंग्स हो जो मार्जिन स्पीक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आते थे, नाम तो था मार्जिन स्पीक बट उनका जो तोफ था, उनका जो निशाना था वो मेन स्ट्रीम की जो उनकी एपथी है गरीब लोगों की तरफ, उनकी तरफ उनका ध्यान था। वो ऐसे इंटेलेक्चुअल थे जो हिम्मत रखते थे कि अगर क्लास एनालिसिस अगर लोग गलत कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी अगर गलत कर रहे हैं, वो उनको भी बुलाते, उनको भी उसके ऊपर भी वो क्रिटिसिज्म करते थे। सिमिलरली अगर दलित पॉलिटिक्स स्पेस में अगर इस तरह की हिपोक्रेसीज हो रही है वो उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। इसके लिए आनंद तेलतुंबड़े ये जो थे ये इनफेमस इंटेलेक्चुअल थे मेन स्ट्रीम स्पेस के लिए, फिर चाहे वो दलित समाज का हो या फिर लेफ्ट या अन्य लिबरल लोगों का हो। और यही पब्लिक इंटेलेक्चुअल का काम होता है कि वो व्यक्ति अकेले चलता है, अकेले काम करता है और अकेले इस चीज़ के ऊपर डायग्नोसिस देता है। आनंद तेलतुंबड़े की अगर हम किताबों और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में देखें तो उन्होंने ना केवल इकोनॉमिक मटेरियलिज्म के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी तो बल्कि उन्होंने ऑल्सो रिलीजन के ऊपर रखी। तो हम जब अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट से जब दलित मूवमेंट को कंपेयर करते हैं तो जिस तरह से ब्लैक मार्क्सिज्म या जो ब्लैक पैंथर पार्टी यहाँ जो उगम हुआ था, जिस तरह का उनका एनालिसिस था, मुझे लगता है आनंद तेलतुंबड़े ने उस एनालिसिस को बड़ी बारकाई से पकड़कर दलित मूवमेंट को किस तरह से उसका यूज करता होना चाहिए उन्होंने उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट उनकी अहम कंट्रीब्यूशन रह चुकी है। और एक मुझे लगता है कि आनंद तेलतुंबड़े के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कि उनकी जो 70 साल की जो करियर है वो एक कॉरपोरेट बॉस थे, सी सूट में उनकी लाइफ थी। और उनकी जो लाइफ ट्रेजेक्ट्री हम देखते हैं कि विदर्भा के जैसे पिछड़े जो माँ बाप है जो किसान काम करते थे, जो किसी और के ज़मीनों पे काम करते थे, वहाँ से लेकर IIM से लेकर उनकी जो नए नए प्रोग्राम्स और इंडिया की जो फर्स्ट डेटा साइंस का कोर्स है आनंद तेलतुंबड़े ने किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल दलित आइकॉन्स ये आनंद तेलतुंबड़े, अगर उनके हम रेज्यूमे को देखते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क हो गया या फिर प्रोफेशनल वर्क हो गया, उनके अंदर उनका एक तरह से एक नया दृष्टिकोण दिखता है। और वो व्यक्ति जो था वो हिम्मत रखता था। हिम्मत रखने वाले लोगों की जो है मुझे लगता है कोई भी फील्ड में कमी है, और हिम्मत तो हमको जब रखनी चाहिए जब हमारे पास ज़्यादा दमन होता है। और आनंद तेलतुंबड़े एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार दुनिया भर के विचारक पढ़ते हैं, उनकी किताबों को दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और उनका एक रेफरेंस हमेशा साथ में दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पोलैंड के एक बड़े फेमस मैथमेटिशियन है ब्रॉनी जब मेरे को एक कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में मिले थे, उन्होंने मुझे पूछा कि प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े की कोई किताबें यहाँ बेचने को मिलती है क्या।
तो मैंने उनको पूछा, आप तो मैथमेटिशियन हो, आपको इसे, आपको आनंद तेलतुंबड़े की राइटिंग से क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि आनंद तेलतुंबड़े ना केवल डेटा साइंस में लिखते हैं, मेरे को उनमें इंटरेस्ट है, बट उनकी जो क्लास डायग्नोसिस है जो उन्होंने साउथ एशिया में की है, मुझे लगता है उसकी आज हमको बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से उनका एक वाइडर स्कोप है, और दुनिया के विद्वान हैं जो श्वेत हैं, अश्वेत हैं, अलग अलग वर्ण के हैं, अलग अलग रीजन के हैं, उन विद्वानों में जिन्होंने सत्य और अहिंसा को मार्ग रखते उन्होंने जो सच्चाई बताई, उसी के एक लेगेसी में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े हमको दिखते हैं। और ऐसे इंटेलेक्चुअल को हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व करना चाहिए, ऐसे इंटेलेक्चुअल और बने, उनसे इंस्पिरेशन ले, इसको हमको, ये चहल होनी चाहिए, ऐसा हमको देखना चाहिए।